हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता। और मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और इसमें मैं ग्रेटेड पनीर ऐड करूँगी। पनीर हमें आलू से कम डालना है, हाफ क्वांटिटी होनी चाहिए। जितने आलू हैं उससे पनीर हाफ। इसमें ऐड करेंगे देगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, अनारदाना, सूखी मेथी, कॉर्नफ्लोर डालेंगे बाइंडिंग के लिए। अभी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर लग रहा है कि बाइंडिंग नहीं हो पा रही है तो और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये चिपक भी नहीं रहा है, इसमें मॉइस्चर नहीं है। इसकी अब हम बॉल्स बनाएंगे। हाथों को पहले हम ग्रीस करेंगे। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी। ऐसी शेप देंगे और सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। ये कॉर्नफ्लोर है, इसको मैं इसमें थोड़ा सा डस्ट करूँगी, कॉर्नफ्लोर सारी बॉल्स पर। फिर मैं इसको फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। जब तक कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं हम ग्रेवी बनाते हैं। मैं एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाला है। अब मैंने काजू डाले हैं, काजू को रोस्ट करेंगे। काजू रोस्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम रफली चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे जिससे कि हमारे अनियंस जल्दी भुन जाएं। कोफ्ते हमें गोल्डन ब्राउन करने हैं। अनियंस भुन चुके हैं और इसमें अब मैं ऐड करूंगी रफली चॉप्ड टोमेटोस। और टोमेटोस को पकाना है जब तक ये कच्चा पन्ना निकल जाए। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने घी डाला है। घी गर्म हो जाए इसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर, देगी लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर ऐड किया। और अब जो मैंने टमाटर प्यूरी पीस ली थी वो इसमें ऐड कर दी है। टमाटर को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये घी ना छोड़ जाए। इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करेंगे, बाद में जब पकेगी तो ये थिक हो जाएगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अमूल क्रीम। इसमें ऐड कर दिए हैं अमूल क्रीम और ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा पानी और फिर मैंने इसे बॉईल आने दिया। बॉईल आ चुका है, मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए हैं और अब हमारा मलाई कोफ्ता तैयार है। और इसको मैंने अमूल क्रीम से गार्निश किया है। आप ही मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।